हेलो फ्रेंड, अगर आप एक बहुत ही कम बजट के साथ ऑनलाइन प्रिंटिंग फोटोकॉपी शॉप के लिए प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है कि कौन सी मशीन के साथ कौन कौन से फंक्शन आते हैं, किस फंक्शन को अलग से ऐड करने पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। यह सारी चीज़ें हम इन डिटेल देखने वाले हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा नंबर और कहाँ से यह मशीन परचेस करना है उसका लिंक भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्योसेरा के इस सीरीज में कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है। टास्क अल्फा इस सीरीज में हम लोगों को 20-20, 23-20, 23-21 तीन मॉडल एक साथ मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें हमको प्रिंट, फोटोकॉपी, स्कैन विथ विंडो और लाइनेक्स प्रिंट सपोर्ट के साथ यह मॉडल GX ड्राइवर को सपोर्ट करती है, जो कि इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है और यह इजीली क्योसेरा की साइट पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका सेटअप कैसा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है कि 20-20 और 23-20 उसका डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है, और जो है 23-21 उसका डिस्प्ले आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। 20-20 का डिस्प्ले जो हम लोगों का पुराना मॉडल आता था 1800, सेम एज इट इज उसके जैसा ही है, और जो 23-21 है ये 2201 का जो डिस्प्ले आता था या 2200 का जो डिस्प्ले था उसके जैसे ये सेम एज इट इज दिखता है। साथ ही इसमें हमको मिलने वाला है प्रिंट बॉक्स फंक्शन फॉर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एंड प्रिंटिंग। अगर आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है और आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कोई और पर्सन जो ऑफिस में है या हम लोगों की जहां पर ये मशीन इंस्टॉल्ड है वहां पर कोई अनदर पर्सन या अदर पर्सन उस चीज को ना देखे, तो उसके लिए आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टिंग भी बना सकते हैं। इसमें आप एक पासवर्ड डाल सकते हैं, जब आप कंप्यूटर से प्रिंट देंगे जब तक वो प्रिंट आपका नहीं निकलेगा, जब तक आप डिस्प्ले पे उसका पासवर्ड नहीं डालेंगे, ऐसे करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। तो ये एक इसमें बहुत ही शानदार फीचर है। एनर्जी सेविंग डिजाइन भी है जो कि आपकी एनर्जी बहुत ही कम कंज्यूम करता है, साथ ही आपकी जो टोनर की यील्ड है उसको बढ़ा देता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी यह एक टोनर में 16,000 प्रिंट का इसका यील्ड है। जो हम लोगों का पुराना मॉडल आता था 1800 उसका यील्ड 10 to 12,000 था, पर इसका जो यील्ड है वो 16,000 है। स्टार्टर टोनर की अगर हम बात करें तो वो 3,000 से 4,000 के बीच प्रिंट निकालता है। स्टार्टर टोनर मतलब जो मशीन के साथ में फर्स्ट टोनर आता है उसको हम स्टार्टर टोनर कहते हैं। एनर्जी सेविंग मोड भी इसके अंदर है जो कि पावर कंजप्शन बहुत ही कम करता है और आपकी एनर्जी को सेव करता है। साथ ही अगर हम इसके ड्रम यूनिट की बात करें तो 1,50,000 इसके ड्रम की लाइफ है, इसके डेवलपर, इसका डेवलपर और जो बाकी के पार्ट्स है वो जब उसकी लाइफ हो जाती है उसके बाद ही उसमें चेंज होते हैं। तो इसके ड्रम की लाइफ भी बहुत ही अच्छा है, एक ही ड्रम आपकी पूरी मशीन के डबल चलेगा, जिसकी जितनी आपकी मशीन की प्राइस रहेगी उससे ज़्यादा ये ड्रम आपका चलेगा। साथ ही हम लोगों ने बात करी कि जो की फीचर्स है उसके ये है कि इसमें हम लोगों को कॉपी, प्रिंट और स्कैन और फैक्स ये जो है ये ऑप्शनल है, इसका एक अलग से यूनिट लगता है, ये लगाने के बाद इसको आप यूज कर सकते हैं, पर ये बहुत रेयर केस में यूज होता है। स्पीड की हम अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट कॉपी प्रिंट आउट जो निकालेगा वो जस्ट 5 सेकंड के अंदर ही इसका आउटपुट निकाल के बाहर कर देगी। वार्म अप टाइम की अगर हम इसकी बात करें तो ये 17 सेकंड के अंदर ही रेडी हो जाएगी, मतलब रेडी टू यूज हो जाएगी। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो 17 सेकंड के अंदर ये रेडी टू यूज हो जाएगी। डेडिकेटेड आईडी फोटोकॉपी, इसके अंदर आपको एक आईडी फोटोकॉपी का भी ऑप्शन मिलने वाला है। 1800 के अंदर भी ये फंक्शन था, इसके अंदर भी ये है, पर अगर आप इसकी जो आईडी है इसको ऊपर कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके भी रखेंगे तो वो एज इट इज जो उसका आउटपुट है वो एकदम एक्यूरेट करके निकालेगी। 2-in-1 और 4-in-1 ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आपका कुछ छोटा डॉक्यूमेंट है तो आप अलग अलग पेज पे ना निकाल कर उसको इस तरीके से
एक ही पेज में चार में डिवाइड कर उसको निकाल सकते हैं, और टू इन वन में उसको टू पोर्शन में कर आप उसको निकाल सकते हैं, और ऐसे करके आप अपने जो पेजेस है उसको सेव कर सकते हैं। कलर स्कैन करके आप अपने पीसी में उसको सेव कर सकते हैं। क्विक स्कैन यूटिलिटी का भी इसमें ऑप्शन है, जिसका आप यूज करके स्कैन को इजीली और फास्ट तरीके से स्कैन कर सकते हैं। नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है। ऑफसेट सॉर्ट भी है इसके अंदर। अगर आपके पास तीन पेज है, 1 2 3, अगर आप चाहते हैं कि एक सेट आपका जो है हॉरिजॉन्टल निकलेगा और सेकंड जो है आपका वर्टिकल निकलेगा, तो ऐसे में आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं कि आपके तीन पेज है, फर्स्ट में ऐसे आपके हॉरिजॉन्टल निकलेंगे और बाकी आपके वर्टिकल निकलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, और वापिस जो रहेगा वो फिर हॉरिजॉन्टल। आप साथ फिर आप इनको उठाकर एक साथ स्टेपल करके सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें मल्टीपल एक्सेस इसमें दे सकते हैं, एक यूजर नहीं बहुत सारे यूजर्स भी इसमें काम कर सकते हैं। अब जो हम लोगों का 2020 मॉडल है, वो एक बेसिक मॉडल है जिसमें आपको नेटवर्क साथ में नहीं आने वाला है और ना ही आपको ये RADF साथ में आने वाला है। ये RADF ही, इसकी जगह आपको सिर्फ एक सिंपल सा प्लेटन कवर ही मिलेगा, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। और 2321 मॉडल के साथ में आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही 2321 में आप नेटवर्क कार्ड भी लगा सकते हैं और उसमें ड्यूप्लेक्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मतलब एक साथ आप डबल साइडेड प्रिंट भी ले सकते हैं। 2020-2020 में भी आप डबल साइडेड प्रिंट वाला ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा, पर उसमें आपको RADF और नेटवर्क जो है वो नहीं मिल पाएगा। साथ ही आप जो है ट्रे को भी उसमें नहीं बढ़ा पाएंगे। उस जो 2020 है वो सिंगल ट्रे के साथ में ही आएगी, बाकी जो 2321 है वो आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। ये है उसके मेन स्पेसिफिकेशन। ये हम लोगों का है टास्क अल्फा 2020, ये 2320 और ये 2321। मेन फंक्शन है जो हम लोगों के तीनों मॉडल है उसमें आपके कॉपी, प्रिंट, स्कैन और फैक्स। फैक्स ये यहाँ पर लिखा है ऑप्शनल है फॉर 2321 ओनली। तो आपको ये वाला सिर्फ आपको 2321 में ही मिलने वाला है। राइटिंग मेथड, राइटिंग मेथड इसकी सेमीकंडक्टर लेजर है, मतलब ये जो हम लोगों का मीटर बन के बाहर आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, तो वो सेमीकंडक्टर लेजर है। सीपीयू, इसमें 500 mAh का इसमें सीपीयू इसमें यूज हुआ है। प्रिंटिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो 2020 का जो स्पीड है वो 20 PPM पर मिनट है, और 2320 जो है उसका पीपीएम 23 PPM पर मिनट है। ये सारा जो है सिंप्लेक्स की बात है। ड्यूप्लेक्स में ये 10 PPM हो जाएगा, साथ ही ये भी ड्यूप्लेक्स में आपका 11 PPM हो जाएगा। मेमोरी जो इसमें यूज हुआ है वो 256 MB मेमोरी इसके अंदर यूज हुआ है। वार्म अप टाइम इसका 17 सेकंड है और इसका 18 सेकंड है। पेपर कैपेसिटी की अगर इसकी बात करें तो ये 300 सीट प्लस 100 सीट, मतलब आपका 100 सीट जो है वो आपकी बाईपास ट्रे में यूज कर सकते हैं आप, और जो 300 सीट से है वो आप आपकी जो मेन ट्रे है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें आप 1300 सीट्स यूज कर सकते हैं जब आप इसमें एक्स्ट्रा ट्रे अगर लगवाते हैं तो। डिस्प्ले की अगर बात करें तो उसमें 2 लाइन डिस्प्ले है, इसमें 5 लाइन डिस्प्ले है। डिस्प्ले का हम लोगों ने अभी ऊपर देखा ही था। पावर कंजप्शन इसका 378 वाट है और इसका 450 वाट है और उससे भी कम। कॉपी फंक्शन में आप इसमें मैक्सिमम A3 पेज लगा सकते हैं और मिनिमम A6R इसमें यूज कर सकते हैं। 600 DPI का इसमें ऑप्शन आता है, 600 DPI आप इसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉपी 5.7 सेकंड है। जूम आउट और जूम इन इसमें 25% तक आप कम कर सकते हैं और 400% तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल कॉपी में आप एक से लेके ट्रिपल लाइन तक एक साथ फोटोकॉपी निकाल सकते हैं इन सिंगल कमांड। 2-in-1, 4-in-1 ऑप्शन हम लोगों ने अभी बात किया था कि आप इससे भी अपने पेज की सेविंग कर सकते हैं। प्रिंट की अगर बात करें तो 600 DPI में ही है और ये भी 5.7 सेकंड ही लेता है फर्स्ट कॉपी में। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट में ये Windows 7, 8, 10, साथ ही ये एप्पल और लाइनेक्स को भी सपोर्ट करता है।
इंटरफेस कार्ड में ये यूएसबी 2.0 को सपोर्ट करता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 100 बेस TX 10 बेस T, ये सिर्फ 2321 के लिए है। नेटवर्क का कार्ड सिर्फ इसी में इंस्टॉल होगा, बाकी 2021 में भी ये सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ ये 2321 के लिए ही है। स्कैन की अगर हम इसकी बात करें तो मोनो और कलर दोनों में ये स्कैन करता है। रिजोल्यूशन में ये 300, 200 और 600 DPI के साथ में स्कैन करता है। इमेज टाइप भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, अगर आपका टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कर सकते हैं, फोटो है तो फोटो, या टेक्स्ट फोटो, जैसे आधार कार्ड में आपका नाम भी लिखा रहता है, फोटो भी है तो टेक्स्ट प्लस फोटो भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कैन टू PC भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। 1800 में जो हम क्योसरा क्लाइंट टूल यूज करते थे, सेम एज इट इज हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। फैक्स फंक्शन यूज नहीं होता है तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, ये ज्यादा यूज नहीं होता है। टोनर की अगर हम इसकी बात करें तो टोनर जो किट लगता है इसमें, इसका नंबर है 4140। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 16,000 कैपेसिटी के अप्रोक्स है इसका। और MK मतलब इसमें जो ड्रम यूनिट है उसका नंबर है 4145, जो कि 1.5 लाख के अप्रोक्स चलता है। फ्यूजर यूनिट जो है वो भी इसका इतना ही चलता है, 1.5 लाख के अप्रोक्स फ्यूजर यूनिट की भी लाइफ है। तो ये थे कुछ टास्क अल्फा 2020 और 2320 2321 के मेन फंक्शंस। फ्रेंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो जो 2020 है उसका प्राइस अप्रोक्स आपको 45 से 50 हजार के बीच में मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको प्लेटन कवर मिल जाएगा, पर ड्यूप्लेक्स यूनिट आपको नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि जिस लोकल डीलर से आप परचेस करें वो आपको ये ऑफर दे दे। जो 2320 है उसका प्राइस आपको मिलने वाला है 55 हजार के अप्रोक्स। साथ ही इसमें आपको सिर्फ कवर मिलेगा, इट मीन्स आपको प्लेटन कवर मिलेगा, ड्यूप्लेक्स नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि अगर आप किसी लोकल से परचेस करें तो वो आपको ये चीज प्रोवाइड कर दे। अगर हम 2321 की बात करें तो ये मशीन आपको मिलने वाला है अप्रोक्स 80,000 में, जिसमें आपको ड्यूप्लेक्स और नेटवर्क का कार्ड इनबिल्ड रहेगा। पर अगर आप इसमें RADF अगर अलग से इंस्टॉल करवाते हैं तो ये आपको 25,000 और आपके इसमें एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अगर ये आप फुली लोडेड मशीन लेते हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले में ये दिख रहा है कि इसमें आपको RADF भी है और इसमें नेटवर्क भी आपको मिल जाएगा और ड्यूप्लेक्स भी आपको इसी में मिल जाएगा, तो ये मशीन आपको 1 लाख के अप्रोक्स मिलने वाला है, जो कि ये यूनिट आपकी अलग से इसमें इंस्टॉल्ड होगी, पर इसमें आपको नेटवर्क कार्ड और ड्यूप्लेक्स इसी के साथ इनबिल्ड आएगा। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, ये एक डिफरेंस है जो कि 2020 2320 और 2321 में, कि कौन कौन से मेन फंक्शन जो है आपको 2020 में मिलते हैं, 2320 में मिलते हैं और 2321 में मिलते हैं। 2020 में जो है आपको तीनों फंक्शन मिलेंगे, कॉपी प्रिंट और स्कैन, पर इसमें सिर्फ आप सिंगल PC से ही इसको यूज कर पाएंगे, मतलब USB से आप इसको कनेक्ट कर देंगे और उस PC से आप इसको शेयर करके बाकी दूसरे सिस्टम से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें ड्यूप्लेक्स प्रिंट का ऑप्शन रहता है, तो ड्यूप्लेक्स प्रिंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप अगर ड्यूप्लेक्स फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं, पर आपको प्लेटन कवर साथ में मिलेगा, तो आप वो कवर के साथ में इसको आपको यूज करना पड़ेगा। एज इट इज आपका जो है 2320 में भी ऐसा ही रहेगा, बस इसमें आपका 20 स्पीड है, उसमें आपका स्पीड 23 रहेगा, बाकी सेम फंक्शन 2020 और 2320 2320 में रहेगा। सेम फंक्शन आपको 2020 में मिलने वाला है और 2320 में मिलने वाला है। पर अगर हम टास्क अल्फा 2321 की बात करें तो इसमें आपको RADF भी साथ में, अगर हम टास्क अल्फा 2321 की बात करें तो इसमें आपको नेटवर्क कार्ड भी अलग से आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, ड्यूप्लेक्स भी करवा सकते हैं और RADF, जिसमें आप मल्टीपल फोटोकॉपी एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।